Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hey guys, how are you all? Oops, sorry. How are you all? I hope you guys are doing fine. And the Hindu newspaper analysis session, it happens from regularly. In this month, it's happening all 7 days of the week from 10:30 to 11:15. Aaj, or rather I would say 11 only because I start little late. So, ye 45 minutes ka session main roz leke aati hun. And it's useful for all the law entrance exam aspirants. And if you guys are appearing for any other entrance exams, like UPSC or banking exam or so, तो भी आपको करंट अफेयर्स प्रिपरेशन में ये सेशन काफ़ी हेल्प करेगा. ठीक है. अच्छा, इफ़ यू गाइज आर अपियरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ओनली, दिस सेशन इज गोइंग टू बी यूजफुल नॉट जस्ट फॉर करंट अफेयर्स बट फॉर लीगल रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन ऑल्सो. सो इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, तीन तीन आपके टॉपिक्स इधर काफ़ी हद तक आपको हेल्प करते हैं. ये तीनों टॉपिक्स में ये सेशन से हेल्प होगा. इवन इन नोट्स मेकिंग, सो जो भी न्यूज़ में की नोट्स आपको बनानी चाहिए, वो न्यूज़ की बाजू में भी मैं स्टार मार्क पुट करती हूँ, तो वो न्यूज़ की आप नोट्स बना सकते हो. तो उस तरीके से भी आपको नोट्स मेकिंग में हेल्प होता है. ठीक है. सो ये सेशन बहुत सारे वे में गाइज हेल्पफुल है. ऊपर से द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स फॉर फ्री. राइट, बिल्कुल फ्री में ये सेशन आप अटेंड कर रहे हो. तो एंड रेगुलरली सारे आपके करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं रेगुलरली. एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस से बेटर क्या सोर्स हो सकता है करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए? डेफिनेटली दूसरे भी सोर्सेस होते हैं, बट दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन वाला सोर्स टू कवर योर करंट अफेयर्स. करेक्ट. एंड करंट अफेयर्स इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट, तो आपको रोज़ इज़ अपडेट करना इज़ लाइक सुपर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. रोज़ करंट अफेयर्स को अपडेट कीजिए, एक साथ जमा करके नहीं याद रहेगा, तो रोज़ इसे अपडेट कीजिए. इसके लिए एक सिंपल सा काम कर लीजिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आपका कोई भी सेशन मिस ना हो. ओके. एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर अबाउट दिस क्लास, शेयर दिस क्लास एज मच एज पॉसिबल विद ऑल योर नियर एंड डियर वंस. आपको वहाँ पे शेयर बटन दिखेगा, प्लीज़ क्लिक ऑन इट, पुट ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, पुट इट एवरीवेयर. ओके. सो सबके साथ शेयर करो अबाउट दिस क्लास एंड देन खुद तो अटेंड करो, सबके साथ शेयर करो बिकॉज इट्स अ फ्री क्लास, वेरी यूजफुल क्लास. तो ये एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं तुम लोग से चाहती हूँ कि शेयर करें, सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स प्लीज़ प्लीज़ शेयर अबाउट दिस क्लास बिना भूले. आई एम सो सॉरी, एक मिनट. एंड मीन वाइल मैं फटाफट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको. एंड एक सेकेंड, मेरा और अन एकेडमी का. हाय आदित्य, एम आर के, मेहुल, अस्मित, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम ए लॉ ग्रेजुएट एंड ए कंपनी सेक्रेटरी. I am having 8 plus years experience in teaching for various law entrance exams. I was earlier associated with IMS Learning Resources. I'm still associated with CS and Cost Accountant Institute, where I teach law subjects to CS and Cost Accountant students. And I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. So that's me, guys. What are we doing today? We are doing newspaper analysis today. So An Academy, ये जो platform आपको दिख रहा है, this platform is seriously very very amazing platform, the most amazing platform in today's time, trust my word guys. So aap log kya kijiye, go to your play store or app store, download An Academy learning app and start using it. Is platform pe, is app pe do types ki classes milegi aapko, free classes and paid classes. तो पहले कुछ दिन आप लोग फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो एंड देन
उसको हम स्पेशल क्लास बोलते हैं अनअकैडमी पे, तो वो फ्री क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, क्विजेस अटेंड कीजिए, देखिए आपको एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है तो फिर जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। पहली बार जब ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे ना गाइज, तो फ्री फीचर्स कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, तो कोई भी फ्री फीचर लाइक फ्री मॉक टेस्ट, क्विज या फ्री क्लास। तो पहली बार जब भी कोई फ्री क्लास वगैरह देखो और फ्री फीचर आपको अनलॉक करना है, तभी आपको एक कोड पूछेंगे। यू कैन यूज़ दिस कोड निधि लाइफ, ठीक है। हाँ, फिर एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये दो टाइप के सब्सक्रिप्शन प्लस एन आइकॉनिक इस फॉर सिलेबस कम्प्लीशन, तो सिलेबस को सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस बेसिक वन है, आइकॉनिक उससे अपग्रेडेड वन है। आइकॉनिक में वन ऑन वन मेंटर सेशन, फिजिकल नोट्स मिलती है, ये सारी बेनिफिट होंगे। रेज योर हैंड करोगे जिसमें बातचीत कर सकते हो एडुकेटर के साथ, तो उसमें भी प्रायोरिटी मिलती है। ओके, एंड दीज आर सम बैचेस विच इज स्टार्टिंग दिस वीक, ये वीक से ये बैचेस चालू हो रहे हैं, ठीक है। ये दो बैच, एक 23 एस्पिरेंट का था और एक 22 एस्पिरेंट का, ठीक है। अच्छा, मैं एक स्लाइड ऐड करना भूल गई हूँ अबाउट द प्राइस हाइक। तो प्राइस हाइक तो बता रही हूँ, बट क्या प्राइस हाइक हो कि आपका प्राइस होगा ना फाइनल, वो स्लाइड तो मैं फटाफट से अभी दिखा दूँगी आपको, जस्ट अ मिनट। तो ये बैचेस है बेसिकली, यार सब्सक्रिप्शन का ये प्राइजेस है, बट द प्राइस हाइक इज कमिंग सून गाइज। 19th मे के बाद प्राइस हाइक आ जाएगा, तो मैं दिखाऊंगी अभी प्राइजेस के क्या है और 19th मे के बाद क्या होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड निधि लाइफ फिलहाल, ठीक है। प्राइस हाइक आ रहा है, कितना आ रहा है मैं एक मिनट क्विकली दिखा दूँ। मैं ये एक्चुअली स्लाइड डालना भूल गई थी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, फटाफट से मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है आप लोग को समझना कितना प्राइस हो जाएगा। फिर Just give me a moment. I'm so sorry, guys. Oh yes, these are the slides which I want to show you all. एक आइकॉनिक वालों का है और एक एक सेकेंड, ओके सो गाइस आप लोग ये देख लीजिए गाइस। तो 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के आइकॉनिक के रेगुलर प्राइस ये है, आफ्टर प्राइस हाइक ये हो जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल आइकॉनिक ऑफर प्राइस चल रहा है, इवन 35% ऑफ चल रहा है। आई यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? 35% आपको ऑफ मिल रहा है ऑन अकेडमी लॉ सब्सक्रिप्शन। तो आज से 19 मे तक ये वैलिड रहेगा, तो 32,500 से प्राइस हाई के बाद तो 39,000 होने वाला है। बट फिलहाल आपको एट प्रेजेंट 26,000 में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 6 महीने का मिल रहा है, 13,000 रुपये आप बचा रहे हो। तो इस तरीके से 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ सबका समझ लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी एक ध्यान में ले लीजिए ये वाला चीज़, ये प्लस सब्सक्रिप्शन का है, वो मैंने आइकॉनिक दिखाया प्लस में भी।
12,000 में सिर्फ 3 महीने का आपको मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, दैट्स अमेजिंग. 6 मंथ्स का मिल रहा है 19,200 में और 9 मंथ्स का मिल रहा है 24,000 में. दैट्स मतलब ऑलरेडी अभी के प्राइस से भी 35% ऑफ है. 19 मई से तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी प्राइस. तो यूज़ माई कोड गाइज नीदी लाइव एंड डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए फुल ऑन इसका. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो ये फ़ायदा नीदी लाइव कोड डाल के ज़रूर उठा लीजिए. ठीक है ना? एंड क्लैरिटी नोट्स हम 20 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है, जो सारे एक्टिव आइकॉनिक प्लस सब्सक्राइबर्स को मिलेगी ई नोट्स. और फिजिकल नोट्स में से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अभी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जुलाई से ऑलमोस्ट आपको मिलना चालू होगा. एंड ये वीक में ये वाले फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लास सीरीज है, दैट्स फ्री फॉर एवरीवन लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. और नाना एकेडमी क्लैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो. अन एकेडमी क्लैट इज़ नाउ ऑल्सो ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कीजिए चैनल. चलिए ये सारी बात चीज जान ली, अभी हम लोग फटाफट से न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे गाइस स्टार्ट. बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज पढ़ाना है मुझे आपको. ओके, गिव मी अ मोमेंट. ओके, तो आज मंडे का दिन है, 16 मई है, मुंबई एडिशन मैंने लिया हुआ है. देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. हाय देवा, ओके. फिर भी न्यू स्टूडेंट्स आते रहते हैं रोज, तो इंट्रो की जरूरत तो है. विचर एंड शुभा, वेरी गुड मॉर्निंग. शुभ्रा इज आस्किंग व्हाट हैपेंड टू योर वॉइस. बेटा ये तो बहुत ज़्यादा बेटर है. कुछ दिन पहले तो बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था. इट्स मच बेटर नाउ. मतलब मैं एटलीस्ट इजीली बोल पा रही हूँ. बीच में तो हालत ख़राब हो गई थी, बट हाँ अभी भी थोड़ा कोर्स आ रहा है. आई नो टीचिंग की वजह से हो रहा है. इतना सारा बोलते हैं हम लोग क्लास में, इसलिए ओके. बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न शुभ्रा. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज दिस, which you guys must write down. Phenomenal achievement. The Indian team proudly poses with the Thomas Cup. Thomas Cup jeet ke aaye hai. Symbol of supremacy in men's team badminton. After blanking defending champion Indonesia 3-0. To 3-0 se badminton mein hum jeet ke aaye hai India. Indonesia jo finals mein hamare samne thi, unko hara ke हमारा 3 स्कोर उनका 0, लाइक दैट. इन बैंकॉक इट हैपेंड ऑन संडे. इट वॉज इंडियाज मेड इन सक्सेस इन द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट. तो ये डेफिनेटली आपको लिखना है. ये वाली स्पोर्ट्स न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट वन तो कांग्रेस के बारे में, जो हमें एग्जाम में काम नहीं लगेगी तो हम नहीं पढ़ेंगे. फ्रंट पेज पे और इमरा एंड मिस्टर मानिक सहा चार्ज लेंगे, तो वो चार्ज ले चुके हैं ऑलरेडी. न्यू कैबिनेट सून ही बनाया जाएगा. त्रिपुरा सीएम वाव कर रहे दैट, मतलब वो कसम खा रहे हैं कि बिप्लब कुमार देव की जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई थी वो सारी हम कंटिन्यू करेंगे, हम कोई भी स्कीम को बंद नहीं करेंगे. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. बट ये वाली न्यूज़ मैंने कल लिखवा दी थी, तो आज लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने ये वाली स्टार मार्क की है, बैडमिंटन वाली, थॉमस कप वाली, प्लीज़ वो लिख लीजिएगा. अनदर वेरी वेरी बिग न्यूज़ यू नो, एंड बहुत ज़्यादा धमाकेदार न्यूज़. मैं धमाकेदार इसलिए बोल रही हूँ
क्योंकि यूक्रेन का जो हालत किया रशिया ने, यूक्रेन ने बोला हम नाटो ज्वाइन करेंगे, और वो बोलते ही जो हालत किया है रशिया का, रशिया ने यूक्रेन का, फिर भी फिनलैंड, और फिनलैंड रशिया ने कि तुम्हारी हालत ख़राब कर देंगे अगर तुमने नाटो ज्वाइन किया। कुछ दिनों से हम देख रहे थे उनके प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहे थे, बट नाउ फाइनली फिनलैंड ने कंफर्म किया है दैट दे विल बी ज्वाइनिंग नाटो, क्योंकि उनको चाहिए। रशिया तो कभी भी हमला बोल दे तो प्रोटेक्शन के लिए दे विल बी ज्वाइनिंग नाटो, सो दैट नाटो ट्रूप्स उनको हेल्प करेंगे। सो फिनलैंड विल अप्लाई फॉर नाटो मेंबरशिप। कंट्रीज प्रेसिडेंट सॉली निनिस्टो कन्फर्म्ड ऑन संडे, टूडे वी द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी कमिटी हैव डिसाइडेड दैट फिनलैंड विल अप्लाई फॉर नाटो मेंबरशिप। ये बताया है फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने, और उनके काउंटर पार्ट, टर्किश काउंटर पार्ट जो है तैयब इडोगन, जिसने बताया था कि फिनलैंड को नहीं ज्वाइन करना चाहिए, उनसे भी वो बात करेंगे ऐसा उन्होंने बोला है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़, सुपर बिग न्यूज़, मतलब रशिया और आग बबूला होने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट वन इज़ मुंडका फायर ट्रेजेडी। तो बेसिकली दिल्ली के मुंडका एरिया में ये जो आग लगी बिल्डिंग में, उसमें 27 लोग मारे गए, ठीक है। तो जो ओनर था 4 स्टोरी बिल्डिंग का इन आउटर दिल्ली मुंडका, वो उनको अरेस्ट किया गया ये फायर ट्रेजेडी के लिए, जिसमें 27 लोग मारे गए। जो अक्यूज है मनीष लकरा, वॉज अरेस्टेड आफ्टर मल्टीपल रेड्स व कैरड आउट इन दिल्ली एंड हरियाणा। तो दिल्ली एंड हरियाणा में अलग अलग जगह पे रेड किया और फिर उनको अरेस्ट किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस समीर शर्मा सेड दिस, वी हैड रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन दैट ही हैड प्लान टू गो टू हरिद्वार, ही सेड। तो वो हरिद्वार जा रहे थे ऐसा उन्होंने बताया, और उनको पहले उसके पहले उनको अरेस्ट कर लिया है। तो बेसिकली ये क्या हो गया ना कि 8 बॉडी पाई गई है, 27 में से सिर्फ 8 लोगों की बॉडी अंदर पाई गई है। मिस्टर लखरा और उनकी फैमिली एस्केप कर दिया बाय क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द नेक्स्ट बिल्डिंग। तो दूसरी बिल्डिंग में जंप करके, उधर से क्लाइंब डाउन करके वो लोग एस्केप कर लिए। एडिंग दैट एफर्ट्स वर ऑन ट्रेस मिस्टर लखराज फैमिली, और अभी तक मिस्टर लखरा की फैमिली को भी ढूंढा जा रहा है। और इसमें आम आदमी पार्टी तो ऐसा बोल रही है कि इसमें सारा बीजेपी का लेंगे, मिस्टर लकड़ा इज़ एसोसिएटेड विद बीजेपी, ऐसा बोला जा रहा है। सो ये बिल्डिंग इन मुनका जो है, इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था, एनओसी ये बिल्डिंग ने लिया ही नहीं हुआ था, और आग लग गई बिल्डिंग में। तो दिस इज़ वॉट हैज़ हैपन, ये आई थिंक लिखना चाहिए जितना मैंने हाईलाइट और अंडरलाइन कर रखा है, न्यूज़ लिखना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बहुत हंगामा हुआ है महाराष्ट्र में, मुंबई में इसके लेके। तो एक मराठी एक्टर है केतकी चिताले, केतकी चिटले जो मराठी एक्टर है, थाने कोर्ट में उनको संडे को रिमांड किया गया, और उन्होंने बेसिकली शरद पवार जी के अपियरेंस पे और उनके बारे में बहुत ख़राब फेसबुक पोस्ट की थी, ठीक है। तो जो लीडर्स हैं पार्टी के, और मतलब बेसिकली एनसीपी के लीडर्स और शिवसेना वाले सारे भड़क चुके हैं जो ये फेसबुक पोस्ट थी इसके लिए, एंड वो पुलिस कस्टडी में है फिलहाल। वो जो मराठी एक्टर है, मई 18 तक उनको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। सो 29 ईयर ओल्ड मिस चितले, अ रेसिडेंट ऑफ पुणे, हैज एक्टेड इन टेलीविजन एंड इन फिल्म्स एंड इज़ नोन फॉर कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स। इसके पहले भी वो कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स कर चुकी है। एक मिनट, मेरा व्हाट्सएप खुला लग रहा है इधर। ओके सॉरी। तो 5 केसेस लॉन्च किए गए हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने डेरोगेटरी पोस्ट किया था मिस्टर शरद के अपियरेंस एंड इलनेस के ऊपर।
qualifying it with indecorous remarks. तो दिस इज़ वॉट इज़ देयर. उनको अरेस्ट कर लिया गया है. भाई शरद पवार बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है, कुछ बोलोगे तो सोच समझ के बोलो उनके अगेंस्ट. हाय राजू, हेलो एवरी, हाय, गुड मॉर्निंग. तो ये सारी चीज़ सारी हो गई हमारी फ्रंट पेज की इम्पोर्टेंट न्यूज़. आगे की और इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है देखते हैं. पाकिस्तान में दो सिख लोगों को मार दिया गया है, वो पर्पसली किया गया है अटैक. तो इसके ऊपर पंजाब सीएम और पार्टीज़ बहुत बहुत बोली हैं, कंडेम किया है किलिंग, कि ये बहुत ख़राब चीज़ हुआ है. इसकी न्यूज़ डिटेल में हम आगे भी देखने वाले हैं. तो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के एक सीएम रह चुके हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ओनली, वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ओनली डूइंग लिप सर्विस टू सिख्स. तो बेसिकली बोलने के लिए सर्विस दे रहे हैं, बाकी सिख के लिए बहुत ख़राब हालत है पाकिस्तान में, ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक्स सीएम का बोलना था. तो ये ध्यान में रखिए, पर लिखनी नहीं है ये वाली न्यूज़, आगे ये वाली न्यूज़ और एक बार करवाऊँगी. नेक्स्ट वन इज़ ओवर 400 सबमिटेड फेक सर्टिफिकेट्स फॉर आसाम पुलिस रिक्रूटमेंट, DGP सेज दैट. तो आसाम में पुलिस रिक्रूटमेंट में के लिए जो सर्टिफिकेट सबमिट किए गए, ऑलमोस्ट 400 जितने फेक सर्टिफिकेट सबमिट किए गए थे, 400 लोगों ने. तो दैट्स मतलब शोइंग कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है. पुलिस में भर्ती होना है बट फेक सर्टिफिकेट वो लोग दे रहे हैं, दैट्स जस्ट टू मच. मेरी सोसाइटी वाले लोग कितना आवाज करते हैं. चलिए नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिल्ली पुलिस इन जयपुर इज गोइंग टू अरेस्ट मिनिस्टर्स सन. Women in Delhi had alleged that Rohit Joshi had raped her on multiple occasions over the year. पूरे साल में मल्टीपल टाइम रोहित जोशी ने उनको रेप किया है, ऐसा उनका दिल्ली की एक विमेन का बोलना है. तो दिल्ली पुलिस ने जयपुर में वो मिनिस्टर के साथ रोहित जोशी को अरेस्ट किया है, हु इज़ द सन ऑफ पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महेश जोशी. तो महेश जोशी कुछ बोल रहे कि मैं सपोर्ट करूंगा प्रोप को, अगर ऐसा मेरा बेटा गिल्टी है तो मैं ज़रूर इसका साथ नहीं दूंगा, लाइक दैट. तो ये ध्यान में रखिए, स्टार मार्क कर रही हूँ. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं. एडिटोरियल करना है हमें आज. अच्छा, एक एडिटोरियल इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है. देखिए फर्स्ट वाला जो है ना, BJP में जो त्रिपुरा में लीडरशिप चेंज हुई इसके बारे में है. तो हमें वो पॉलिटिकल न्यूज हमें नहीं करनी है. सेकंड वाला एडिटोरियल मैं करवाने वाली हूँ अभी डिटेल में. बट आज दो जो लीड सेक्शंस है ना, वो दोनों लीड सेक्शन भी लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है, वो रीड करना है आपको. क्योंकि 124A सेक्शन वाला, सेडिशन वाला चीज़ मैं एडिटोरियल वगैरह में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, बट ये अभी ओपिनियन और एक है जो आप पढ़ सकते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. तो बेसिकली इस एडिटोरियल में क्या बोला गया है वो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि सेक्शन 124A अभी अबेंस में रखा गया है, मतलब सस्पेंड किया गया, अभी सस्पेंड किया गया, अभी फ़िलहाल नए केसेस नहीं दर्ज हो सकते इसके ऊपर. सो इन अबेंस ऑफ सेक्शन 124A अ प्रोविजनल रिलीफ. बट इधर ऑथर का ये बोलना है कि गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए कि फिर अदर स्टैट्यूट के थ्रू तुम सेडिशन वाला चार्ज लोगों पे लगाओ. तो ये मेक श्योर गवर्नमेंट को करना है, ये मेक श्योर करना है कि अभी भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अबेंस में रखा बट दूसरे स्टैट्यूट्स यूज़ करके गवर्नमेंट इसे यूज़ ना करे. तो ये वाला एक पढ़ना है आपको, मैं रीड लिख रही हूँ, एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है ऑथर ने, तो एक बार फटाक फटाक से पढ़ लेना.
Even this, I find legal reasoning point of view is important. And I am asking you to read this as well. So, aaj thoda homework de rahi hu guys. Please read this. This Delhi High Court split verdict need to be resolved. के Delhi High Court में जो marital rape के exception को basically marital rape को criminalize करना था, वो वाला चीज़, वो verdict कुछ खास नहीं आया इतने wait के बाद भी, तो इसे resolve करना चाहिए. इसके बारे में क्यों, क्या opinion है, एक बार सिर्फ read करो बस. और ये वाला editorial मैं आज पढ़ाऊँगी अभी detail में. Fuel to fire. The focus must be on Russia ending the war and not on expanding NATO. तो फिनलैंड का जो डिसीजन है उसके बारे में ये बात हो रही है एडिटोरियल में. फ्यूल टू द फायर, ये डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये साल की एग्ज़ाम का. तो इसलिए मुझे चाहिए आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रखिए, ठीक है. तो फ्यूल टू फायर, तो बेसिकली ऑलरेडी आग लगी हुई है रशिया में, रशिया को, कि सब लोग नाटो ज्वाइन करें, उनको लग रहा है हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. तो फिनलैंड अभी ऑलरेडी वॉर तो ख़त्म भी नहीं हुआ, दो दो महीने से, ढाई महीने हो गए, तो भी ऐसे टाइम पे फिनलैंड नाटो ज्वाइन करके फायर में, आग में और तेल डालने की काम कर रहा है और आग भड़का रहा है. कैसे देखते हैं, तो रशिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन 24th of February. अपेरेंटली टू स्टॉप, ये 24 मई को 3 महीने हो जाएंगे ये वॉर को. अपेरेंटली टू स्टॉप नाटोज फर्दर एक्सपांशन इन टू द नेबरहुड. तो नाटो यूक्रेन में और उनकी नेबरहुड में ना आए, नाटो एक्सपेंशन ना हो, रशिया को यही चाहिए था. बट इन लेस देन 3 मंथ्स द सेम इन्वेजन हैज़ पुश्ड टू कंट्रीज इन दैट नेबरहुड टू कंसिडर नाटो मेम्बरशिप. रशिया के यही करने के वजह से फिनलैंड और स्वीडन, जो दो और नेबर में पड़ती है रशिया के कंट्रीज, वो लोग नाटो मेंबरशिप कंसिडर कर रहे हैं. लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड विच हैज स्टेड न्यूट्रल सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. हमेशा से फिनलैंड न्यूट्रल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. किसी के साथ कोई मगजमारी नहीं है उनका, कुछ कुछ टेंशन नहीं है. उन्होंने भी बोला है कि दे होप दे कंट्री वुड अप्लाई फॉर नाटो मेंबरशिप विदाउट डीले. तो फिनलैंड ने बोला है कि विदाउट डीले हम लोग होपफुली कर लेंगे नाटो ज्वाइन. स्वीडन विच हैज स्टेड आउट ऑफ मिलिट्री अलायंसेस फॉर 200 ईयर्स, 200 साल से कोई मिलिट्री अलायंसेस स्वीडन ने ज्वाइन नहीं किया है. एंड ये हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में से आते हैं ये लोग, स्वीडन और फिनलैंड. तो उन्होंने भी बोला है स्टेटेड दैट नाटो मेंबरशिप would strengthen its national security and stability in the Baltic and Nordic regions. तो Baltic and Nordic region में हमें हमारा stability, security रखना है, तो हमें NATO join करना होगा, ये Sweden ने बोला है. If these two countries now formally apply for membership, it would be the biggest strategic setback for Russian President Vladimir Putin, whose most important foreign policy focus has been on weakening NATO. तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन को NATO को weak करना है, तो लोगों को उल्टा ज्वाइन नहीं करने दे रहे, और उधर के अंदर जो नाटो के मेंबर्स हैं उनको भी उनको निकालना है. तो अगर स्वीडन फिनलैंड दोनों ज्वाइन कर लेंगे नाटो, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा रशिया के लिए. पर्टिकुलरली अलार्मिंग फॉर रशिया इन द केस ऑफ फिनलैंड विथ विच इट हैज़ अ हॉस्टाइल पास्ट. रशिया के साथ अच्छा पास्ट नहीं है, दुश्मनावट रह चुकी है रशिया की. अगर फिनलैंड ने ज्वाइन किया नाटो, तो रशिया और एक कॉशन में आना होगा उनको, अलार्मिंग होगा उनके लिए. स्टालिन इन्वेडेड फिनलैंड इन 1939 डिमांडिंग मोर टेरिटरीज. दो द रेड आर्मी स्ट्रगल्ड द इनिशियल फेज ऑफ वॉर, इट फोर्स्ड फिनलैंड टू साइन द मॉस्को पीस ट्रिटी सेडिंग सम 9% ऑफ इट्स टेरिटरी. तो रशिया को स्टालिन ने बेसिकली इन्वेड किया था फिनलैंड 1939 में, और मतलब दैट इज़ रशियन प्रेसिडेंट ने, रशिया ने इन्वेड किया था. फिर रेड आर्मी, मतलब फिनलैंड की आर्मी ने काफ़ी स्ट्रगल किया
इनिशियल फेज ऑफ वॉर में, बट रशिया ने फोर्स किया फिनलैंड को कि मॉस्को पीस ट्रीटी साइन करो, जिसमें 9% जितनी टेरिटरी फिनलैंड की ले ली थी रशिया ने. बट ईयर लेटर द फिन्स इन एन अलायंस विद द जर्मन नाजीज अटैक द सोवियत ट्रूप्स. एक साल के बाद ही जर्मन नाजीज के साथ अलायंस करके फिनलैंड ने अटैक कर दिया रशिया पे. पीस वॉज एस्टैब्लिश अलॉन्ग द 1340 किलोमीटर फिनलैंड रशियन बॉर्डर आफ्टर द नाजीज वर डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बट 1340 किलोमीटर का फिनलैंड के साथ भी, जैसे यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगता है, फिनलैंड के साथ भी लगता है रशिया का बॉर्डर. तो नाजीज को डिफीट कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद पीस रही है ये बॉर्डर पे. नाउ यूक्रेन अपीयर्स टू हैव डीपन द सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर फिनलैंड एंड स्वीडन. तो उल्टा भी यूक्रेन की जो हालत हुई, तो फिनलैंड एंड स्वीडन डर चुका है कि हमें, हमारी भी हालत रशिया ने पास्ट में की थी वैसा कर सकते हैं. स्टिल नॉट क्लियर वेदर दीज कंट्रीज वुड बी इंडक्टेड इन टू नाटो एनी टाइम सून. ये क्लियर नहीं है कि ये कंट्रीज़ को नाटो में वो लोग लेंगे या नहीं, बट ये लोग अप्लाई कर रहे हैं. सो विद इन द अलायंस डिसीजन आर टेकन यूनानिमसली, मतलब 100% सबका वोटिंग चाहिए तो ही वो डिसीजन आ जाएगा. टर्की हैज़ ऑलरेडी एक्सप्रेस इट्स ओपोजिशन. टर्की तो ऑलरेडी बोल चुका है कि हम नहीं चाहते कि फिनलैंड या स्वीडन ज्वाइन हो. ओके, वेल द यूएस एंड यूके आर पुशिंग फॉर नाटोज एक्सपेंशन, बट यूके यूएस चाहता है कि नाटो एक्सपैंड हो. जर्मनी एंड फ्रांस हैव टेकन अ मोर कॉशियस लाइन. जर्मनी एंड फ्रांस कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है. हंगेरी विच हैज़ डीप टाइज विद रशिया एंड हैज़ ऑलरेडी हेल्ड अप द EU's प्लान टू बैन रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स हैज नॉट मेड इट्स व्यूज क्लियर. तो हंगेरी तो रशिया का दोस्त है, उसने भी कुछ बोला नहीं है. तो यूरोपियन यूनियन का जो प्लान है टू बैन रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, उसे भी अटका के रखा है हंगेरी ने. सो यूनानिमस डिसीजन का तो सवाल ही नहीं है. मुझे नहीं लगता फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन कर पाएंगे, बट द मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट बाय फिनलैंड एंड स्वीडन टू ज्वाइन नाटो हैज़ सेंट टेंशन्स इन यूरोप सोरिंग विद रशिया थ्रेटनिंग मिलिट्री एंड टेक्निकल रिटेलिएशन. और फिनलैंड एंड स्वीडन दोनों ने सिर्फ अच्छा दिखाई है नाटो ज्वाइन करने की, इससे ही यूरोप में खतरा जैसा हो गया है. रशिया थ्रेटन क्योंकि कर चुका है कि मिलिट्री और टेक्निकल वे में हम रिटालिएशन लेंगे आपसे. नॉर्मेटिवली स्पीकिंग फिनलैंड एंड स्वीडन आर सोवरेन कंट्रीज एंड फ्री टू टेक डिसीजन ऑन जॉइनिंग एनी अलायंस. तो नाटो को ज्वाइन करना है, किसी को भी ज्वाइन करना, वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं. रशिया किसी पे दबाव वैसे तो नहीं डाल सकता है, पर हम देख ही रहे यूक्रेन में जो जो किया है रशिया ने, जो नहीं कर सकते वही सारी चीज़ की है. इट्स अप टू नाटो टू डिसाइड वेदर दे शुड बी टेकन इन और नॉट. तो नाटो को डिसाइड करना है कि वो फिनलैंड और स्वीडन को लेंगे या नहीं. बट अ बिगर क्वेश्चन दीज कंट्रीज एज वेल एज Europe as a whole faces whether another round of expansion of NATO would help bring in peace and stability in Europe, particularly at a time when the continent is facing a pre-First World War type security competition. तो First World War के पहले जैसा खतरा था सिक्योरिटी का, वैसा ही अभी फेस कर रहा है यूरोप. तो ऐसे टाइम पर क्या ये दो कंट्रीज़ को नाटो में लेके यूरोप में पीस हम इंश्योर कर पाएंगे, ये उनको सोचना है. It would escalate the current crisis between nuclear armed Russia and NATO to dangerous levels. So, अगर ये current crisis हुए और Russia ने nuclear use किया भूल से भी, तो पूरा Europe तबाह हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है. Already the several rounds of NATO expansion and Russia's territorial aggression have brought the world to its most dangerous moment since 1962 Cuban missile crisis. So already itne NATO expansion ke baad bahut kharab world time face kar raha hai abhi since 1962 Cuban missile crisis. Russia should immediately halt the war and all the stakeholders should focus on finding a long term solution to the crisis. रशिया को तो डेफिनेटली वॉर एंड करना ही चाहिए,
बट सारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, दूसरी कंट्रीज, इनको भी एक सोल्यूशन ही क्राइसिस का लॉन्ग टर्म लाना चाहिए। रशिया को जिससे प्रॉब्लम ना हो वैसा करना चाहिए। न्यूक्लियर पावर अगर उसने यूज़ किया तो बैंड बज जाएगी पूरे वर्ल्ड की। तो ये हुआ एक एडिटोरियल, डिटेल में मैंने समझा दिया। हाय अनिका, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। पीएम मोदी जी आज लुम्बिनी जा रहे हैं, नेपाल गए हैं और लुम्बिनी में विज़िट करेंगे, जो गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है। ओके, तो बुद्धिस्ट, आज बुद्ध पूर्णिमा है ऊपर से, तो इस दिन पीएम इज़ गोइंग टू लॉन्च वर्क ऑन बुद्धिस्ट सेंटर इन अ डे लॉन्ग विजिट टू लुम्बिनी। मोदी विल स्पीक एट बुद्धा जयंती इवेंट ऑर्गेनाइज बाई नेपाल गवर्नमेंट। आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती है। अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज दिस, अडानी बाइज अंबुजा, ये इसके लिए हैं गाइज। अडानी बाइज अंबुजा ACC फॉर 10.5 बिलियन डॉलर्स। ACC और अंबुजा सीमेंट, दोनों सीमेंट कंपनीज को भी बाय कर लिया अडानी ने 10.5 बिलियन डॉलर्स में। नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज गाइज। देवसहयम पिल्लई डिक्लेयर्ड सेंट। तो देवसहयम पिल्लई, जो क्रिश्चियनिटी काफ़ी प्रमोट कर रहे थे इतने सालों से इंडिया में, उनको सेंट डिक्लेयर किया है पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में। सो इंडियन लेमैन टू बी, इज़ द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी कैनोनाइज्ड। पोप फ्रांसिस प्रिसाइड्स ओवर सेरेमनी, तो पोप फ्रांसिस के अंडर ये वेटिकन सिटी में सेरेमनी हुई। इंडिया का पहला ऐसा लेमैन है जो जिनको सेंट इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में डिक्लेयर किया गया, कैनोनाइज्ड। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल हमारे सुशील कुमार चंद्रा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। राजीव कुमार इज टेकिंग दैट पोस्ट नाउ एंड 2024 का लोकसभा इलेक्शन इनकी निगरानी में होगा। डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट वन। वर्ल्ड न्यूज में वी हैव दिस न्यूज। तो US के ग्रॉसरी स्टोर में शूटिंग हुआ और उसमें 10 लोग मारे गए। 18-year-old शूटर ये था सिर्फ, हु लिव स्ट्रीम्ड द रेशियली मोटिवेटेड अटैक इन बफेलो वॉज अरेस्टेड लेटर। तो रेसिज्म हुआ होगा उनके साथ और रेशियली मोटिवेटेड ये अटैक था, जिसमें 18 साल के शूटर ने 10 लोगों को मार दिया एंड देन वो अरेस्ट भी हो चुका है। दिस इज सम न्यूज़ यू मस्ट राइट डाउन। रशियाज नेबर फिनलैंड डिक्लेयर्स प्लान टू जॉइन नाटो, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फॉर्म एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड इन नेक्स्ट वीक, फॉर्म एप्लीकेशन नेक्स्ट वीक दे दिया जाएगा। बट ऐसे ही अप्लाई नहीं कर रहे वो लोग, मुझे लग रहा है फुल तैयारी के साथ ही अप्लाई कर रहे हैं कि वो हो जाए एक्सेप्ट। सो सॉरी, ये वाली न्यूज़ इधर से लिख लेना आप लोग। इन अ टारगेटेड अटैक 2 सिख ट्रेडर्स शॉट डेड इन पाकिस्तान। 2 सिख ट्रेडर्स को पाकिस्तान में शॉट डेड किया गया है। MEA रजिस्टर प्रोटेस्ट, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है कि हम कुछ नहीं है इससे। और प्राइम मिनिस्टर शरीफ, नवाब शरीफ जो वहाँ पे अभी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में, वो बोल रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे ज़रूर। और एक सुसाइड ब्लास्ट भी हुआ पाकिस्तान में, उसमें भी 6 लोग मारे गए। तो पाकिस्तान पाकिस्तान क्या हो रहा है। नेक्स्ट वन इज, आई एम श्योर ये वाली न्यूज़ तो आप लोग ने सुन ली होगी, देख ली होगी, दुख मना लिया होगा। एंड्रू साइमंस सकम्ब्स टू इंजरीज, कार एक्सीडेंट उनका हो गया और काफ़ी इंजरीज हुई एंड देन ही इज नो मोर नाउ। क्रिकेट वर्ल्ड अभी शॉक में है, एंड्रू साइमंड अचानक से कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं।
तो एंड्रयू साइमंस की ऑबिचरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑबिचरी, डेफिनेटली आप लोगों को लिखनी चाहिए ये, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज ईवी न्यूज़, स्पोर्ट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज स्पोर्ट्स रिलेटेड एक ऑबिटरी और दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़। एक तो थॉमस कप हमने जीता थाईलैंड में और बैंकॉक में बेसिकली, एंड ये स्पोर्ट शूटिंग में ये तीन लड़कियां ने कमाल दिखाया। इंडिया स्वीप्स इवेंट एज मनु एंड नामिया फिनिश सेकेंड एंड थर्ड। तो इंडिया की दो लड़कियां सेकेंड और थर्ड आई हैं। रिदम संगवान विंस स्पोर्ट्स पिस्टल गोल्ड। सो मनु एंड नामिया थर्ड आई हैं, सेकेंड थर्ड, एंड गोल्ड मिला है रिदम संगवान को, वो फर्स्ट आई है। तो तीन पोजीशन अच्छी हमें मिली है ये स्पोर्ट्स पिस्टल गोल्ड में। ट्वेंटी 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल गोल्ड विथ कंपैट्रियट्स मनु बकेर एंड नम्या कपूर फॉर कंपनी ऑन द पोडियम एज इंडिया स्वेप्ट द मेडल्स इन द जूनियर वर्ल्ड कप इन सोल जर्मनी। तो जूनियर वर्ल्ड कप में ये जीते हैं, ये भी ध्यान में रख लीजिए। तो ये भी न्यूज़ लिखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड या वी आर ऑलमोस्ट डन विथ ऑल आर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आई होप गाइज दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरी वन। किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स है तो पूछ लीजिए जल्दी से। एनी डाउट्स गाइस? I suppose there are no doubts as such. So I will wind up this session, and once again I hope this session was helpful to everyone. Thank you so much guys, and bye bye. Jaldi se subscribe kar lijiyega channel ko agar aise acche sessions roz dekhne hain, and please like and share bhi karna session agar acha laga explanation, theek hai, share with everyone on a WhatsApp status, Facebook status, Instagram story, so that sabko ye free session ka fayda mil sake, theek hai। All right, bye bye guys, bye guys.